CUET UG 2024 एडमिट कार्ड और सिटी सेंटर, इसको दूसरे शब्द में अगर बोला जाए सिटी इंटीमेशन स्लिप, दोनों को लेकर अभी के जो विद्यार्थी है, अभी के जो CUET UG 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना है। आज के इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। किस तरीके से इसको डाउनलोड करोगे ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सिटी सेंटर यानी जो सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप होता है वहां पर क्या क्या मेंशन होता है और एडमिट कार्ड में क्या क्या मेंशन होता है। यहां पर लाइव मैं आपको दिखाऊंगा सिटी सेंटर यानी सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा। और यहां पर जो फोटो है या फिर नाम है या फिर जो एड्रेस है वो सारा कुछ चेंज होगा, इसके अलावा कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। हूबहू समझिए कि आप अपने एडमिट कार्ड को देख रहे हो। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहां पर लिखा रहेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 के जगह पर 24 रहने वाला है। यहां पर सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम रहने वाला है, फिर फादर्स का नाम रहने वाला है, फिर जेंडर यहां पर रहने वाला है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी रहने वाला है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ST, SC, OBC या फिर जनरल से या फिर EWS से। इसके बाद आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके बाद आपका स्क्राइब रिक्वायर्ड, इसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा आपको क्या क्या ध्यान देना है सिटी इंटीमेशन स्लिप में, एग्जाम सेंटर वाला जो सिटी है वो आपका कहां पर है। इसके बाद आप अपना नाम देख लीजिएगा, अपने फादर्स का नाम देख लीजिएगा, जेंडर को चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लेना है और कैटेगरी को चेक कर लेना है क्या सही है या फिर गलत है। इसके अलावा यहां पर मेंशन रहेगा आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसी तरीके से जैसे 2023 में 23 मई 2023 को एग्जाम था इस विद्यार्थी का, तो यहां पर ये डेट मेंशन था। इसके अलावा किस स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है, स्लॉट क्या है किसी वीडियो में मैं विस्तार से बता दूंगा क्योंकि यहां पर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर सब्जेक्ट विद मीडियम ऑप्टेड, यहां पर आपका क्या क्या पेपर का एग्जाम किस डेट में होगा यह भी सिटी इंटीमेशन स्लिप में मौजूद रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या क्या रहने वाला है, आपका जो एड्रेस यानी सेंटर है वो, इसके अलावा पेपर रहने वाला और डेट रहने वाला है। यही तीनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट बताती है सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप। इसके अलावा यहां पर आपका फोटो रहने वाला है, नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी सवाल था क्या इसको लेकर एग्जाम सेंटर में जाना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसको एग्जाम सेंटर में लेकर नहीं जाना होता है। क्या आपको लेकर जाना है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपके सामने दिख रहा है एडमिट कार्ड, यही चीज आपको लेकर जाना होता है। तो चलिए सिटी इंटीमेशन जैसे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो यहां पर आपका क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे ऊपर आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहने वाला है, फिर आपका जेंडर, फिर कैटेगरी, किसी तरीके से अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है फिजिकल तो उससे रिलेटेड यहां पर ये चीज रहने वाला है, जिसका नहीं होगा उसका नो रहेगा। इसके अलावा यहां पर देखिए एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, वो इनका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए फोटो रहने वाला है आपका, उसके बाद फिर नीचे इधर आपका सिग्नेचर रहने वाला है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है एडमिट कार्ड में, तो यहाँ वाला पोर्शन को ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर ऑप्टेड विथ मीडियम, यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर यानी जो भी पेपर का आपका एग्जाम होगा वो पेपर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन विथ शिफ्ट के साथ, किस शिफ्ट में आपका होगा, तो यहाँ पर देखिए डेट भी मेंशन है, उसी तरीके से आपका डेट भी मेंशन रहने वाला है। इसके अलावा देखिए तीसरे नंबर पर टाइमिंग ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट का टाइमिंग है वो कब स्टार्ट होने वाला है, तो इनका देखिए 12 से लेकर 2 बजे तक इनका एग्जाम है टाइमिंग का, यानी ये 12 बजे से इनको पेपर मिल जाएगा और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो इनको 2 बजे तक टाइम रहने वाला है, ये टाइमिंग ऑफ टेस्ट पेपर का है। इसके अलावा यहां पर देखिए रिपोर्टिंग टाइमिंग एट सेंटर, यानी सेंटर में जहां भी आपका जिस जगह पर जिस जिले में सेंटर है वहां पर आपको रिपोर्ट कब करना है, पहुंचना कितना बजे है, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है 11:30 बजे इनको पहुंच जाना है हर हाल में, तो एक आध घंटा डेढ़ घंटा पहले बुलाता है सेंटर वाले, क्योंकि यहां पर देखिए 12 बजे आपका एग्जाम है जबकि यहां पर आधा घंटा पहले आपको बोला जा रहा है कि पहुंच जाइए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले पहुंच जाओगे तो वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज अपनाई जाती है, कुछ चेक इन वगैरह होता है, वो सारा फॉर्मेलिटीज अपना कर उसके बाद फिर आपको एग्जाम सेंटर में भेजा जाता है, यानी वहां पर एग्जाम लिखने के लिए। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ, वेन्यू ऑफ टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम सेंटर है एग्जैक्ट उसका एड्रेस कहां पर है वो फुल डिटेल एड्रेस यहां पर दिया रहेगा, आप इसे गूगल मैप में सर्च करके डायरेक्ट आप उसी एग्जाम सेंटर में जा सकते हो, ये यहां पर रहने वाला है। इसके बाद अगर आपका सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम होगा तो इस तरीके से सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पेपर होने वाला है वो पेपर यहां पर रहेगा, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का डेट तो वही रहेगा भाई अगर उसी दिन होगा। इसके अलावा यहां पर आपका टाइमिंग भी रहने वाला है, जिस तरीके से यहां पर टाइमिंग है, इसके बाद आपका एड्रेस भी रहने वाला है एग्जाम सेंटर का। तो देखिए एग्जाम सेंटर का जो चांस है ना वो एक ही सेंटर में सभी विद्यार्थियों का एग्जाम होगा अपने अपने जिले में, जहां तक चांस है जहां भी सेंटर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड में ये सारा कुछ मौजूद रहता है। अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर 11:45 में आपका डेट क्लोज हो जाता है। मैं पिछले साल रांची के किसी सेंटर में गया था चेक करने के लिए कि बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, आप मानिएगा नहीं, जैसे यहां पर टाइम है 11:45, अगर 11:46 भी हो गया ना तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, गेट बंद
बंद हो जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत सारे बच्चों को तो रिक्वेस्ट करने के बाद एंट्री दिलवाए थे, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, इसको भर कर जाइएगा। वो सारा कुछ मैं एडमिट कार्ड जब रिलीज़ कर दिया जाएगा ना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल से कि क्या क्या यहाँ पर भरना होता है, किन किन का सिग्नेचर लगेगा। कुछ थंबनेल यानी जो आपका फिंगरप्रिंट है, ठीक है, यानी आपको यहाँ पर ठेप्पा लगाना होगा, ठेप्पा समझते हो ना, यानी अंगूठा लगाना होगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर एडमिट कार्ड में मेंशन रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया पहले ही एडमिट कार्ड में क्या रहने वाला है, सिटी स्लिप में क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले सिटी इंटीमेशन आपका लिंक एक्टिवेट होगा, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट होगा। सबसे पहले आपको गूगल का ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर सर्च करना होगा CUET ऑफिशियल लिख के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर लिख कर आपको इसको सर्च कर देना। जैसे आप सर्च कीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट खुलेंगे, तो जो यहाँ पर पहला वाला वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, exams.nta.ac.in, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा CUET UG 2024 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे, वहीं पर आप लोग आ जाओगे। यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम शेड्यूल का ये नोटिफिकेशन था, जो आपका एग्जाम डेट था वो यहाँ पर नोटिस कर दिया था। इसी तरीके से जैसे ही सिटी इंटीमेशन वाला लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी आपका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, इसी तरीके से न्यू करके लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नए तरीके से इंटरफेस खुलेगा। वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर वहां पर डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करके, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ को भी डालकर, एप्लीकेशन नंबर आपने डाला फिर यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालकर, फिर नीचे कैप्चा को आपको फिल करना है, कुछ नंबर रहता है उसको डालकर आप सबमिट कीजिएगा, आपके सामने सिटी इंटीमेशन स्लिप का लिंक दिख जाएगा, फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात कर लेते हैं कि सिटी इंटीमेशन कब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, भले ही NTA डेट जो देता है ना, बोलता है कि 5 तारीख यानी 5 मई 2024 को या फिर उससे पहले भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो कभी भी पहले काम आज तक NTA नहीं किया है, या फिर एक दिन बाद किया है, या फिर जो डेट दिया है उसी डेट में थोड़ा सा लेट लतीफा करके वो काम करता है, तो 4 तारीख को जो है ना वो बहुत ही कम उम्मीद है। 5 तारीख के देर रात को ही वो लिंक एक्टिवेट करेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो 5 तारीख को ही लिंक एक्टिवेट होगा, जहां तक हमें पूरी संभावना है। बाकी किसी तरीके से अगर कुछ भी अपडेट आता है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट यानी छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेशन के तौर पर बनाकर मैं आपको अवगत करा दूंगा, अपडेट दे दूंगा, फिर आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।